हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे आपको एक मैटर डिस्कस करना है। कई बच्चों की कॉल्स आई हैं जब से रिजल्ट आया है। कई बच्चे बट ऑब्वियस है, बधाइयाँ तो दे ही रहे हैं और बधाइयाँ ले भी रहे हैं, उनके माँ बाप को भी ढेर सारी बधाइयाँ। लेकिन जिनका फर्स्ट ग्रुप निकला है उनके लिए मेरा एक खास संदेश है। पर्सनली लेने की ज़रूरत है, ये आप ही के लिए है, पर्सनल ही लेना है। प्रॉब्लम ये है फर्स्ट ग्रुप पास करने वालों के साथ कि सर एक बहुत बड़ी अब प्रॉब्लम आने वाली है। अब हम लोग को कल से ट्रेनिंग के लिए सीए साहब को खोजने जाना है, आर्टिकल्स करनी है, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी है। नो डाउट ऑल ऑफ यू आर एलिजिबल नाउ टू स्टार्ट योर नेक्स्ट जर्नी, लेकिन मेरी एक सलाह मान लें, पहले आप अपना आईपीसीसी का जो मई एग्जाम है उसको दे लें। कोई बात नहीं करनी, ये 3 महीना दोबारा आपको नहीं मिलेगा, ये 90 दिन आपसे आपका भगवान भी नहीं छीन सकता। डायलॉग याद आ गया। हाँ, तो आपको इन 90 दिनों में 100% एफर्ट देना है, टाइम बहुत कम है। 9 महीना बीत गया, फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दिया, पास भी हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ना सही दूसरे ही अटेम्प्ट में रिजल्ट आया ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब कुछ हड़बड़ी नहीं करनी। कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने सेकंड ग्रुप की तैयारी मन से दीजिए। सारी टेंशन्स को किनारे करिए, सारे हेडेक्स को किनारे करिए। आप पहले अपने सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन करेंगे, एक लाइन की बात, कोई आर्टिकलशिप ज्वाइन कर अगर आपकी बहुत इच्छा है, यू कैन डू सो। ये सब आपके ऊपर है, मैं कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक सलाह जरूर दे सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन विच इज टू बी कंडक्टेड बाई योर सीए इंस्टीट्यूट इन मई 2017, एंड दिस इज द एंड ऑफ जनवरी। फ्रॉम टुमारो योर फेब्रवरी विल स्टार्ट, बट ऑब्वियस है यू विल हैव ओनली 3 मंथ्स रिमाइंड इन योर हैंड, फेब मार्च एंड अप्रैल। वॉट एवर द एफर्ट्स यू कैन डू, यू हैव टू डू सो दैट यू कैन गो अहेड फॉर योर ट्रेनिंग पर्पजेस विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, बिना कोई हेडेक ले कि अब मुझे आईपीसीसी का एग्जाम देना है तो सर कैसे तैयारी करें, क्या करें। ट्रेनिंग करते हैं दिन भर, रात को थके हारे आते हैं, फिर पढ़ने के लिए बैठते हैं, मन नहीं करता। 3 महीना हाथ से निकल जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। 100% आपको अपनी पढ़ाई पर दे दो भैया, निकाल लो सेकंड ग्रुप जी, पक्का सोच लिया कि सुबह उठते ही दोस्तों की बातों में आ जाएंगे, पड़ोसियों की बातों में आ जाएंगे, या किसी और की बातों में आकर के अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। केवल और केवल मई के एग्जाम की तैयारी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।